विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिले का सोमवार को अंतिम दिन रहेगा। रविवार को अवकाश होने के कारण शनिवार को भाजपा प्रत्याशियों सहित कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। सूरसागर विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार भाग्य आजमा रही भाजपा प्रत्याशी सूर्यकांता व्यास ने शनिवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। व्यास अपने प्रधान चुनावी कार्यालय से रैली के रूप में रवाना हुई। ये रैली आखलिया चौराहा, बॉम्बे मोटर्स, जालोरी गेट, सोस्ती गेट, नई सड़क होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। रैली को कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर रोक लिया गया। प्रत्याशी के साथ भाजपा के सांसदों, विधायकों के साथ केवल प्रस्तावकों को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई। व्यास के नामांकन के दौरान राज्यसभा सांसद नारायण लाल पंचारिया, रांची को अध्यक्ष मेघराज लोहिया, वरिष्ठ भाजपा नेता उपेंद्र दवे सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। नामांकन भरा है, भारतीय जनता पार्टी की हूँ, नामांकन भरा है, मगर नामांकन तो भर दिया, इंतजाम देने में बैठ गई, पेपर नहीं आ रहा है, मैं अकेली खड़ी हूँ, मेरे सामने किसी के आने की अभी तक हिम्मत नहीं की है। और मेरे को सातवीं दफे पार्टी ने टिकट दिया है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। हमारी जीत निश्चिंत है, हमारा राज निश्चिंत है, हमारी सरकार निश्चिंत है, ये मैं कहना चाहूंगा।